हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनगेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो गेट 2019 मैकेनिकल ब्रांच में आया है और डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था। द क्वेश्चन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ और इन द फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी वन एंड सी टू इज वॉट। वी हैव ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन सी वन C2 constants के form में है, तो solution हमें constant के form में ही निकालना है। Okay, means constant की value नहीं निकालनी है, direct answer ही बताना है आपको। Now, अब सबसे पहले बात करते हैं differential equation की। ये जो differential equation given है students, पहले इसको observe कीजिए। ये differential equation जो general होती है वैसी नहीं है, थोड़ी सी special type की है। differential equation है x square d2y by dx2 minus 2x dy by dx plus 2y is equals to 4. This is a special type of differential equation. आप इसको अच्छे से observe कीजिए। ऐसे differential equations को हम कहते हैं Euler's Cauchy differential equation। क्या बोलते हैं direct? या तो उसको बोलते हैं Cauchy's equation या Cauchy's differential equation, या बोलते हैं इसको Euler's Cauchy's differential equation, Euler's और Cauchy's differential equation, या इसको बोलते हैं differential equation with variable coefficients। You can easily see कि यहाँ पे जो coefficients आ रहे हैं वो variable है, तो this is called differential equation with variable coefficients, right? तो ऐसे differential equations को solve करने का तरीका भी special होता है। तो पहले उस method को देख लेते हैं, brief में discuss करेंगे और उसके बाद हम वापस question पे आते हैं। तो देखिए, जब कभी भी ऐसी differential equation होगी students, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे ऐसे differential equations को solve करने के लिए, let x is equals to e to the power z। जब कभी भी ऐसी differential equation आएगी तो हम solve करेंगे x is equals to e to the power z की फॉर्म से। तो मैंने लेट कर दिया x is equals to e power z, right? और अगर x is equals to e power z है, then this will give us z is equals to ln x, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अगर z is equals to e power z है, सॉरी x is equals to e power z है, then this will give us z is equals to ln x। तो क्या करना है, इस differential equation में x is equals to e power z रखना है, right? अब second step क्या करेंगे, second step में हम करेंगे यहाँ पे, and इस पूरी differential equation में जहाँ जहाँ पे भी x d by dx आ रहा है, उसके place पे आप q रख देंगे, right? ये notation अलग अलग होता है, कुछ books में इसको theta लिखा जाता है, कुछ books में इसको t लिखा जाता है, और कुछ books में इसको q लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ notation use किया है q, तो x d by dx के place पे q रख देंगे। What is q? This q is nothing, what is q? This q is nothing but d by dz। ये q क्या है? ये q है d by dz, right? Okay, तो d by dz मतलब z जो लिखा है मैंने, उस z का function हो गया q, और q की value क्या रखनी है आपको, x d by dx। और अगर x square d2 by dx2 लिखा हुआ है कहीं, तो आप रखेंगे q q minus 1। अगर कहीं x square d2 by dx2 लिखा हुआ है, तो आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे उस केस में q q minus 1। और अगर x d by dx लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे उसके प्लेस पे q। ओके, नाउ ये सब करने के बाद जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन आएगा cf plus pi के फॉर्म में, राइट? cf plus pi के फॉर्म में आएगा, और ये cf और pi जो दोनों होंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, इन द फॉर्म ऑफ z आएंगे। तो पहले ये इन द फॉर्म ऑफ z आएंगे, आप उसको z से वापस x में कन्वर्ट करके ही फाइनल आंसर बताएंगे। तो सपोज मेरे पास cf जो आया वो ऐसा आया डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के लिए, c1 e टू द पावर अल्फा z प्लस c2 e टू द पावर बीटा z, इस फॉर्म में आएगा आपका हमेशा cf, राइट? इस cf को आप वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, या भी z की फॉर्म में है, आप इसको वापस x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यहां से। ओके, क्लियर है मेरी बात? तो आपको क्या करना है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट कहते हैं, सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू e पावर z, एंड और आप ऐसा भी बोल सकते हैं z इज इक्वल टू ln x। ओके, फर्स्ट स्टेप में ये करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x d by dx इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पे भी x d by dx आ रहा है, उसके प्लेस पे आप q रखेंगे, और x स्क्वायर d2 by dx2 आ रहा है, उसके प्लेस पे q q माइनस 1 रखेंगे। अगर x क्यूब होगा तो q q माइनस 1 q माइनस 2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे x क्यूब x4 d4 by dx4 होगा, तो ये वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी, राइट? और फिर उसके बाद जब हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी
तो आपके पास आ रही है x की फॉर्म में, और अब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बन जाएगी, q की फॉर्म में बन जाएगी। इस q की फॉर्म में मतलब q मीन्स z की फॉर्म में होगी, तो इस q की फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका सोल्यूशन निकालेंगे cf plus pi की फॉर्म में, राइट। हम जानते हैं जनरल सोल्यूशन cf plus pi होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो cf plus pi हो जाएगा। cf और pi दोनों के दोनों इन द फॉर्म ऑफ z आएंगे, और आपको उसको वापस x में कन्वर्ट करना है। और मान लिया cf हमारे पास आ रहा है y = जो cf बनेगा, ऐसे केसेस में हमेशा वो ऐसा बनेगा c1 e टू द पावर अल्फा z + c2 e टू द पावर बीटा z एंड सो ऑन, अगर डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आए अल्फा और बीटा तो। ओके चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये भी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है इस मेथड को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसको हम वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट कहते हैं या कोशीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ओके तो यहां आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब जो हमने मेथड सीखा है उसके हिसाब से इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यू क्यू माइनस वन, राइट, माइनस टू इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे रख देंगे हम क्यू प्लस टू और इंटू वाई इज इक्वल टू फोर, राइट। तो अब ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू की फॉर्म में बन गई, एफ क्यू बन गया, और अब आप चाहें तो यहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे, तो जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा वो बनेगा सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी एफ की। सी एफ निकालने के लिए इक्वेशन है क्यू क्यू माइनस वन माइनस टू इंटू क्यू प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब इसके सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने वाली है यहाँ से क्यू इन द फॉर्म ऑफ डी, तो ये बन जाएगा डी डी माइनस वन माइनस टू डी प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ओके तो अब ये बन जाएगा हमारे पास में स्टूडेंट्स कितना बनेगा क्यू, ये डी है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन राइट इट डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये क्या बन गया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू जीरो। ओके अब इस एफ डी का आपको क्या निकालना है, इस एफ डी का आपको सी एफ निकालना है, और बाद में इस एफ डी का आपको पी आई भी निकालना है। तो अभी सी एफ की बात कर लेते हैं, तो सी एफ केस में क्या बन जाएगा, इस डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे डी माइनस वन और डी माइनस टू, तो डी माइनस वन डी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से मुझे रूट्स मिल गए डी इज इक्वल टू वन और टू। डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के लिए जब सी एफ की बात करेंगे तो ये सी एफ बन जाएगा हमारे पास वाई सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एल्फा मीन्स वन जेड प्लस सी टू ई टू द पावर बीटा मीन्स टू जेड, राइट। ये सी एफ बन गया हमारा स्टूडेंट्स। अब इस सी एफ के अंदर अभी मैंने जो निकाला है वो इन द फॉर्म ऑफ जेड है, और हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो इस ई पावर जेड, जहां जहां ई पावर जेड आ रहा है उसकी जगह एक्स रख दीजिए, या जेड की जगह एल एन एक्स रख दीजिए, तो सी एफ आपका बन जाएगा, जो फाइनल सी एफ है वो बनने वाला है सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, राइट। सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर आपका फाइनल सी एफ बनेगा। अब एक बार सी एफ निकालने के बाद आंसर पे आ जाइए तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं होगा और ये आंसर भी कभी नहीं होगा, तो ए और डी तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अब बात करेंगे या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर सी होगा। ओके या तो बी है या फिर सी है, क्योंकि सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है मुझे, और इन्हीं में आ रही है सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। सी वन सी टू कॉन्स्टेंट है, पहले बाद में कोई भी आ सकता है, तो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब डिपेंड करेगा सब किस पे, इस पी आई पे, पी आई की वैल्यू क्या आती है। तो आइए पी आई निकालते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इन टू फाई ऑफ जेड, क्योंकि ये मैंने पूरा जेड में निकाल दिया है फंक्शन, तो फाई ऑफ जेड बन जाएगा। ये बनने वाला है हमारे पास में क्या, एफ डी, एफ डी क्या था हमारा, मतलब डी में फंक्शन क्या बन रहा है, ये डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू फाइव जेड। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइव जेड जो रह रहा है साथ में फोर इंटू ई टू द पावर जीरो जेड, राइट। हम जानते हैं जब पी आई के अंदर ई पावर अल्फा जेड की वैल्यू आती है या ई पावर ए जेड के फॉर्म की वैल्यू आती है, तो हम इस पूरी एफ डी के अंदर डी को रिप्लेस कराते हैं किससे, ए से, राइट। डी के प्लेस पे ए रख देंगे, तो जहां जहां इसमें डी आ रहा है उसके प्लेस पे ए रख दीजिए। यहां ए की वैल्यू आ रही है जीरो, तो ये
बन जाएगा 1 अपॉन 0 माइनस 0 प्लस 2 और इंटू 4 ई टू द पावर 0 जेड दैट इज 1, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स 2, तो ये बन गया पी आई और ये बन गया सी एफ। तो मुझे ये समझ आ गई बात, जब जनरल सोल्यूशन की बात की जाएगी सी एफ प्लस पी आई की बात की जाएगी तो ये जो केस बन रहा है यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई में आप वैल्यूज रख देंगे तो आपका आंसर बनेगा सेवन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर और प्लस 2, राइट right? तो प्लस 2 इट मीन्स इस केस में हमारा राइट आंसर होने वाला है 100% ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स या यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन या यूलर्स कोशीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है, इसको आराम से समझिएगा। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर दूं, लेकिन आप इसको ध्यान रखना है, प्रोसेस हम डिटेल में इसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x इज इक्वल टू ई पावर जेड या जेड इज इक्वल टू एल एन एक्स लिया, जहां जहां पे x d बाई डी एक्स होगा उसके प्लेस पे q रख देना है, जहां एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू होगा उसके प्लेस पे q q माइनस 1 रख देना है। ये रखा, सॉल्व किया, जनरल आंसर जो मिलेगा इसका सी एफ प्लस पी आई की में मिलेगा क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले सीएफ निकाला, सीएफ निकालने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, रूट्स निकाले, रूट्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो सीएफ की वैल्यू आ जाएगी सी वन ई पावर जेड प्लस सी टू ई पावर टू जेड, राइट। फिर इसके बाद सीएफ ये बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, अभी जेड है, मुझे एक्स में लाना है फाइनल आंसर हमेशा, तो एक्स में लिया है वापस एक्स की जगह ई पावर जेड या जेड इज इक्वल टू एल एन एक्स रख के, तो ये सीएफ बन गया। उसके बाद पीआई निकालना है, पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफडी इनटू 5z होता है, 5z मतलब 4 और इनटू यहां कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट से डायरेक्ट नहीं निकल सकता तो मैंने यहां साथ में e पावर 0z ले लिया, मतलब pi भी ले लिया e पावर ax की फॉर्म वाला, राइट, e पावर ax ले लिया। अब यहां पे d की प्लेस पे जहां जहां पे d आ रहा है इसमें d की प्लेस पे a लेना है आपको, तो d की प्लेस पे मैंने यह d को रिप्लेस करा दिया a से और रिप्लेस कराने के बाद वैल्यू हमारे पास आ गई 4/2 दैट इज 2। तो जनरल जो सॉल्यूशन मिला वो मिला cf pi c1x c2x2 और +2 जो कि किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।